नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैफिक के नए नियम के बारे में, जो कि 1 सितंबर 2019 को लॉन्च हुए हैं। मतलब आज ही के दिन से ये नियम जो है लागू हो चुके हैं। कौन कौन से वो नियम है जानेंगे इस वीडियो में, और साथ में ये भी जानेंगे कि उन नियमों को अगर आप पालन नहीं करते तो कितना कितना आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो छोटी छोटी जो है वो आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा। तो वीडियो को देखते रहिए तक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला नियम है वो है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने को लेकर। यदि आप पहले बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते थे तो आपको अगर पकड़ लिया जाता था किसी स्थिति में तो आपसे 200 रुपये जुर्माना लेकर आपको छोड़ दिया जाता था। पर अब नए नियम के अनुसार आपको 1000 रुपये फाइन भरना पड़ सकता है अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो। 1000 रुपये का आपको एक हेलमेट ले लेना है, और बार बार आपको कोई भी चिंता नहीं होगी, आप किसी भी जगह को जा सकते हैं। तो अब जो है हेलमेट का जो रूल्स है वो उसे बढ़ा कर 1000 रुपये कर दिया है। और दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नियम की, वो आ रहा है लाइसेंस को लेकर। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पहले जो है 500 रुपये देकर आपको छोड़ दिया जाता था, और अब जो है आपसे 5000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं। तो अब आपको 5000 रुपये चुकाना भरना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ज़रूर से लाइसेंस बनवा लीजिए, ताकि आपको आगे चलकर बहुत ही काम आने वाला है। और दोस्तों, बात करते हैं अब तीसरे नियम की, वो निकल के आ रहा है इंश्योरेंस से लेकर। यानी आपकी कार का या फिर आपके जो आपने जो वाहन चला रहे हैं उसका अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया है, यानी कि बीमा नहीं करवा के रखा है, तो आपको पहले 1000 रुपये लेकर छोड़ दिया जाता था, पर अब जो है आपसे 2000 रुपये वसूले जाएंगे। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपने जो है अपने वाहन का इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं चौथे नियम की, जो कि आ रहा है नाबालिग की ड्राइविंग को लेकर। कि पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई नाबालिग बच्चा ड्राइव कर रहा है तो उसे जो है 100 या 500 रुपये देकर उसे छोड़ दिया जाता था। और अब अगर 1 सितंबर के बाद से, यानी कोई भी बच्चा अगर गाड़ी चलाता हुआ पाया गया जो कि 25 साल से नीचे का हो, अगर 25 साल के ऊपर का है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर 25 साल के नीचे का है तो उसको जो है लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, और साथ में अगर वो गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उसे 25000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, और साथ में 3 महीने की जेल हो सकती है, और उसके माता पिता को भी जो है कोर्ट में बुलाया जा सकता है कि आपने ऐसी इजाज़त क्यों दी अपने बच्चों को। और दोस्तों, जो पांचवा नियम निकल के आ रहा है कि अब 25 साल से नीचे वाले को जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पहले 18 साल की उम्र और जो समय सीमा है वो तय की गई थी, पर अब जो है 25 साल के ऊपर अगर आप हो तो अभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल के नीचे के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं बनेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं छठे जो ट्रैफिक नया नियम निकला है छठे नंबर की, तो वो आया है बिना सीट बेल्ट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो पहले आपको 100 रुपये लेकर जो है आपको दिया जाता, पर आप जो है 1000 रुपये जो है इसकी प्राइस भी बढ़ा दी है, आपको 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और दोस्तों, अगर आप 10वें नंबर की बात करते हैं, 10वें नंबर के नियम की, तो आपको जो है अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो पहले आपको 2000 रुपये लेकर छोड़ दिया जाता था, पर अब आपसे 10000 रुपये वसूले जाएंगे। मतलब 2000 से बढ़ाकर आप 10000 रुपये कर दिया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं 11वें नंबर के पॉइंट की, वो है कि अगर आप मोबाइल पर बात करते हुए पाए गए, अगर आप कोई कार चला रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल या बाइक चला रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप किसी से बात नहीं कर रहे उस टाइम पर। अगर आपका मोबाइल जो आपके बात करते हुए पाया गया तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 12वें नंबर के नियम की, वो है कि अगर आप बिना परमिट के कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपको 10000 रुपये का फाइन भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह के कई सारे जो है 62 पूरे नियम आए हैं, मैं आपको इस वीडियो में सारे नहीं बता सकता, पर जो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है कि आपको इनका तो पालन करना ही है। अगर आप कहीं पर रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ सकता है, और अगर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं जहां पर स्पीड ब्रेकर आ रहा है वहीं पर आप तेजी से गाड़ी को निकाल रहे हैं, या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, रेड बत्ती, ब्लू बत्ती और येलो बत्ती को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको 10000 रुपये का वसूल किया जाएगा। और ये कीमत जो है दोस्तों आप कम नहीं किया जाएगा, जैसे कि आप पहले उनसे थोड़ा बहुत बात करके पैसे को कम करा सकते थे, पर आपको जितना पेमेंट अब जो फाइन लगा है उतना ही भरना पड़ेगा। अगर आप 2-3 महीने
से के बाद में आपने फिर से वही नियम तोड़ा तो आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो यही कुछ नियम जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।